सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, अरे भैया हमारी फिल्म आलिया भट्ट एंड अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट नंबर थ्री, शो काउंट, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर थ्री में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज के एपिसोड में हम इतिहास डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस दिस इज हिस्टोरिक, स्पेशली पोस्ट पैंडमिक। मैंने किसी भी फिल्म से इस तरह का बिजनेस एटलीस्ट एक साल तक करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि गाइस वी स्टार्टेड विद ऑब्वियसली बेल बॉटम, उसके बाद सूर्यवंशी आई, अब सूर्यवंशी टू ब्रह्मास्त्र ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं, एंड इसी के बीच में केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी में आई, दैट वाज द बिगेस्ट इवेंट फिल्म इंडियन सिनेमा कुड एवर सी। लेकिन ब्रह्मास्त्र इज रीराइटिंग रूल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। ये फिल्म ऐसा इतिहास दर्ज कर रही है एंड द ग्राउंड लेवल रियलिटी इज एब्सोल्युटली इनसेन। मैं अभी से कुछ चीजें कह रहा हूँ आप लोगों को, 2D में ये फिल्म उतना पैसा नहीं कमाएगी, ये मैं पहले ही आपको कह के जा रहा हूँ। दिस इज अ प्रेडोमिनेंटली 3D मूवी। जस्ट इमेजिन, ये फिल्म का 3D में इतना क्रेज है कि 2D इसके सामने पानी भर रहा है, लेकिन ऑल सर एंड डन 2D वर्जन विल ऑल्सो फाइंड एक्सेप्टेंस। लेकिन कब से? सारी की सारी चीज आज के एपिसोड में, एंड इस पूरे के पूरे बॉक्स ऑफिस खेल में ब्रह्मास्त्र कहां कहां उसे नुकसान होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, एंड इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। आज का एपिसोड एक पावर पैक एपिसोड है, इसके लिए बहुत तैयारी की है भाई। चलिए आज का एपिसोड जो है हम शुरू करते हैं, पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉन हॉलीडे की। गाइस ये जो मिथ था हमारे वहां पर कि ईद, दिवाली, क्रिसमस इसी दिनों पर फिल्में चलती है, ये रणबीर कपूर एंड सलमान खान ये दोनों बीट करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले सलमान खान ऑब्वियसली हैज गिवन सो मेनी नॉन हॉलीडे ओपनर्स, एंड अब रणबीर कपूर हु हैज अ ये जवानी है दीवानी, हु हैज अ संजू विच आर नॉन हॉलीडे ओपनर्स, विल बिकम द सेकेंड एक्टर आफ्टर सलमान खान टू गिव 3 नॉन हॉलीडे ऑल टाइम ओपनर्स। हम सभी लोगों को पता है वी ऑल एक्सपेक्टिंग अ 25-26 मे बी अ 27 करोड़ ओपनिंग फॉर ब्रह्मास्त्र ऑन इट्स फर्स्ट डे। तो आफ्टर 2 मूवीज अब रणबीर कपूर की जो फिल्म है ब्रह्मास्त्र वो एक नॉन हॉलीडे ओपनर होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये फिल्म एक दिन की दिवाली नहीं है। साउथ में हम देखते हैं किस तरह से पहले दिन फिल्म बम्पर कर लेती है, दूसरे दिन पूरा खत्म, खेल खत्म। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की ये जो एडवांस बुकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की नहीं, बल्कि यहाँ पर सैटरडे की भी एंड संडे की भी बाप लेवल की हुई है। यानी कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा भी हो, फिल्म अगर खराब भी निकली, बकवास भी निकली, देन फ्राइडे सैटरडे संडे इन लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, उसके बाद इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो यहाँ पर बोलेगा। सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के लिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एडवांस बुकिंग हुई, चाहे वो PVR, आईनॉक्स हो या सिनेपोलिस हो, वॉर जो 2019 में आई थी उसके बाद ऐसा एडवांस बुकिंग किसी भी फिल्म के लिए नहीं देखा था। दिस इज द हाईएस्ट एडवांस बुकिंग आफ्टर कोविड, यानी कि पैंडेमिक टाइम में ये KGF 2 के एडवांस बुकिंग को नहीं बीट कर पाएगी, लेकिन भूलभुलैया 2 एंड RRR का जो हिंदी वर्जन है उसके एडवांस बुकिंग को बीट कर दिया है इसने। बात करूंगा इस 3D तो IMAX वर्जन तो बाप लेवल का पैसा कमा रहा है। हम जिसमें जाते हैं PVR लेजर लोअर परेल में, वहां पे तो ऑलमोस्ट शो फुल होने की कैपेसिटी पे है। एंड गाइस 2D का असली खेल जो है, मैंने पहले कहा था 2D उतना पैसा नहीं कमाया जितना 3D कमा रही है, लेकिन 2D का असली खेल वेडनेसडे आफ्टरनून से शुरू होगा जब इसकी एडवांस बुकिंग पूर्ण तरीके से शुरू होगी। गेटी में खुल चुके हैं, गेटी गैलेक्सी दोनों में लगा है, लेकिन द एडवांस बुकिंग इज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। तो ये हो गया गाइस एक ग्राउंड लेवल रियलिटी जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता था। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर वो चीजें जो ब्रह्मास्त्र को खींचेगी पीछे। नंबर वन, संडे को फाइनल है एशिया कप का, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है, कौन सी टीम के बीच में होता है, इंडिया तो कंफर्म है फाइनल में, लेकिन गाइस वो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र कलेक्शन समझो सैटरडे के बाद संडे को ये फिल्म 38-40 करोड़ रुपीज कमा रही है। द फाइनल विल ग्रैब मोर आईबॉल्स, एंड इससे उस फिल्म को उसी दिन 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान फ्लैट होने वाला है। लाइगर देखा आपने, इंडिया पाकिस्तान थी, कोई गया ही नहीं देखने के लिए। एंड फ्राइडे इज द ऑल इम्पोर्टेंट गणेश विसर्जन। यस फ्रेंड्स, गणपति विसर्जन के दिन स्पेशली मुंबई सर्किट जो है वहां पर रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, स्पेशली जो मेन सेंटर जैसे लालबाग, परेल, दादर, गिरगाम चौपाटी, उसके बाद जूहू चौपाटी, ये पूरे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो वो इसका ओपनिंग डे होने वाला है। यानी कि फ्राइडे हम जो सोच के चल रहे हैं, कई जगह मैंने सुना है कि 30 भी ऊपर जाएगा, मुंबई सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुई क्योंकि मुंबई सर्किट के कारणवश। एंड यहाँ पर पहले दिन गणेश विसर्जन के दिन बहुत ही बड़ा दिन है। एंड 10 दिन की जो गणेश विसर्जन होती है यहाँ पर, कई जगहों पर 11वें दिन पर भी विसर्जन होता है यहाँ पर। तो गाइज वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस फिल्म को यहाँ पर रोकेगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, वो कहते हैं ना कि पब्लिक के सामने सारे लोग घुटने टेक देते हैं। एक बार जनता ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि आपका समर्थन करना है तो बस करना है। एंड ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को कम्प्लीटली एक विनर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब गाइस बात करेंगे कि एग्जैक्टली एडवांस बुकिंग कितनी हुई है। और भैया हम शो काउंट लिखे हैं भाई इस फिल्म का, जो हमको दिखाएंगे कितना है। 3D वर्जन में अब तक ब्रह्मास्त्र का 6.75 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है, यानी कि भूल भुलैया 26.55 करोड़, लाल सिंह चड्डा ऑलमोस्ट 5.5, जुगजुग जियो ऑलमोस्ट 5.40, शमशेरा ऑलमोस्ट 4.5 के ऊपर, सम्राट पृथ्वीराज 4.6 एंड रक्षाबंधन 4 करोड़, यानी कि दिस बिकम्स द हाईएस्ट एडवांस बुकिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर 2022, व्हिच इज ब्रिलियंट। बात करूं 3D के तो 6.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई हिंदी वर्जन की, 2D वर्जन सिर्फ 25 लाख का हुआ है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अरे ये पिक्चर आदमी 2D में क्यों देखेगा जाकर, जब मैं चश्मा पहन के मजे ले सकता हूँ जाकर, मैं 2D में क्यों दूंगा। लेकिन बहुत लोगों को 3D नहीं जमता, जिनको चश्मे पे चश्मा नहीं जमता, जिनको साइनस प्रॉब्लम हो, जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है वो 2D में देखेंगे, लेकिन वो संख्या थोड़ी कम होगी। IMAX 1 करोड़ रुपया मेरा हुआ है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और भैया PVR अब एड्स दिखाना कम कर दीजिए भाई, क्योंकि गाइस एड्स हैव बिकम एब्सोल्युटली इरिटेटिंग। एक शो अगर कोई बड़ी पिक्चर हो, जैसे कि मैं कोबरा देखने के लिए गया था, एब्सोल्युट मेहम था वहां पे गाइस। 3 घंटे की तो पिक्चर थी, इन लोगों ने एड इंटरवल ये सब करा के 3.5 घंटा कर दिया था पिक्चर को। तो गाइस अब थोड़े एड जो है PVR आप कम दिखाइए, क्योंकि गाइस PVR हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स पॉसिबल। PVR ने यहाँ पर 1 लाख टिकट ऑलरेडी बुक फॉर PVR फॉर द फर्स्ट वीक रिलीज एंड काउंटिंग, यानी कि 1 लाख टिकट सिर्फ और सिर्फ केवल PVR में हो चुकी है। आई थिंक द हाईएस्ट कलेक्शन फ्रॉम PVR ये फिल्म करने वाली है। रन टाइम सामने आ चुका है, द रन टाइम ऑफ ब्रह्मास्त्र इज 2 hours 46 minutes and 54 seconds, यानी कि अच्छी खासी लंबी फिल्म है। 2 hours 46 minutes माने कि पूरा कैरेक्टर आर्क डिस्क्राइब करने के लिए, सब बातें बताने के लिए एक पूरा मसाला जो है फिल्म में वो बना दिया गया है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग टोटल एडवांस बुकिंग की, तो यहाँ पर केवल हिंदी वर्जन की यहाँ पर 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है वो यहाँ पर हो गई है। सो गाइस यहाँ पर प्री सेल्स की बात करें तो किसी भी बॉलीवुड फिल्म का PVR में इतना सेल्स कभी नहीं हुआ है। सैटरडे संडे एंड अगर मैं फ्राइडे मिला लूँ तो इसका एक बहुत बड़ा टोटल हमारे सामने आने वाला है। बात करूँ तेलुगु वर्जन की, मैंने पहले ही बोला हूँ तेलुगु तमिल एंड कन्नड़ा वर्जन जब आप प्रमोट करने जाते हो, दीज आर जस्ट एक्सपेंडिचर्स, वो फिल्में इन भाषाओं में देखती नहीं है ऑडियंस। एंड यही हो रहा है, तेलुगु की एडवांस बुकिंग सिर्फ 25 लाख रुपए की है, तमिल की बस खुली है, कन्नड़ा वर्जन की 17,000 रुपए की। और हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ऑल इम्पोर्टेंट शो काउंट्स। कल रात तक मुंबई में 570 शोज थे, आज 578 शोज, एंड गाइस ऑलमोस्ट 18 टू 19 शोज आर ऑलमोस्ट फुल फॉर ब्रह्मास्त्र। द क्रेज इज रियल। एंड मैंने याद है ये बहुत पहले कहा था जब मैं थोर देखकर आया था कि बच्चे इस फिल्म को हिट कराएंगे, इट विल बी अ क्रेज। कितने भी अस्त्र है, अलग अलग जो कलर ग्रेडिंग है, जो कलर यूज किए गए हैं, वो बड़े पर्दे पर बहुत खूबसूरत लगता है। आप फिल्म देखोगे तो आपको और पता चलेगा। बात करेंगे गाइस यहाँ पर दिल्ली NCR की, तो 501 शोज से रात तक अभी 584 शोज है, एंड ऑलमोस्ट 100 फास्ट फिलिंग शोज। दिल्ली NCR वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स परफॉर्मिंग फॉर ब्रह्मास्त्र। बात करो पुणे की, 228 शोज है अभी, रात को 207 थे, 20% की ऑक्यूपेंसी, ऑलमोस्ट 25 फास्ट फिलिंग शोज है। बेंगलुरु इज डूइंग सुपेंडस बिजनेस, सभी लोगों को पता है किस तरह से यहाँ पर फ्लड का सिचुएशन है बैंगलोर में। डिस्पाइट दैट फ्राइडे को लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाएंगे। 225 शोज में 60 फास्ट फिलिंग शोज है, 60 फास्ट फिलिंग शोज है। बात करूँ गाइस यहाँ पर हैदराबाद की, द बेस्ट सेंटर, 159 शोज में 80 फास्ट फिलिंग शोज है, एंड ऑक्यूपेंसी ऑफ 58%। ब्रह्मास्त्र विल बी अ ब्लॉकबस्टर गाइस, वो राहत की सांस जो इंडस्ट्री को चाहिए थी, वो फिल्म जो हमारी इंडस्ट्री को वापस से किक स्टार्ट करनी चाहिए थी, ब्रह्मास्त्र इज गोइंग टू बी दैट फिल्म। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, द पीपल हैव टेकन इट टू देमसेल्फ। यही है, जनता आपको पसंद करती है, आपकी फिल्म देखना चाहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप एन ऑडियंस। अगर मेरा मन करता है पोस्टर देख के मेरे जेब से 200 रुपया निकलता है ना, मेरे को 25 लोग आके बोलेंगे ना कि तुम फिल्म मत देखना, भाई मेरा पैसा है, मेरा पैसा जेब से निकल रहा है, मैं जाऊंगा फिल्म देखने के लिए।
किसी का भी इन्फ्लुएंस मेरे को फिल्म देखने से रोक नहीं सकता, ये बात हमेशा याद रखना। अगर इस बात करूँ अहमदाबाद की, अहमदाबाद में 91 शोज थे, अभी 111 शोज है। चेन्नई में 33 शोज में क्रेजी ऑक्यूपेंसी, 70% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। साउथ में दिस फिल्म इज टेकिंग अ ब्लाइंडर, दे विल टेक इट दिस टेक दिस फिल्म टू अनदर लेवल ऑल टूगेदर। बात करूँ सूरत की, सूरत में 79 से 105 शोज हो चुके हैं। एंड वडोदरा इज वन सेंटर जो हमको हमेशा लुक फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 122 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है, यानी कि ऑक्यूपेंसी फॉर ब्रह्मास्त्र इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बात करूँ वाराणसी की, 10 शोज में 30% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूँ प्रयागराज की, 9 शोज है खाली, 45% ऑक्यूपेंसी है। वन दिस फिल्म इज गोइंग दिस ऑक्यूपेंसी इज प्रयागराज, जस्ट इमेजिन, ब्रिलियंट। दिस फिल्म इज डीपली रूटेड एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। इसका कंटेंट अगर क्लिक हुआ, इंदौर 40 शोज 28% ऑक्यूपेंसी, रायपुर 42 शोज 35, भुवनेश्वर, मैं बेंचमार्क बनाकर चला हूँ भुवनेश्वर को, मेरा जितना भी करियर रहा है राइट फ्रॉम साहो से सबक लिया है मैंने, भुवनेश्वर वेन इट डज सच बिजनेस ना यू कैनॉट स्टॉप। मैंने पहले बोला था ब्रह्मास्त्र विल डू क्रेजी नंबर्स इन ओडिशा, इन बिहार, इन दीज सेंटर्स, एंड यह सबूत है भुवनेश्वर, 52 शोज में 40% ऑक्यूपेंसी है, ब्रिलियंट। सोलापुर में 5 शोज है, 32% ऑक्यूपेंसी है। गुवाहाटी इज सुपर, 40 शोज 45। ब्रह्मास्त्र इज यूनिवर्सल ब्लॉकबस्टर मैन, देयर इज नो, ये पिक्चर को कोई रोक नहीं सकता, ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप दिस फिल्म। इस पिक्चर को एक ही चीज रोक सकती है, वो खुद ये फिल्म। अगर ये फिल्म खराब निकली तब ये रुक जाएगी, लेकिन अगर इसका कंटेंट 20% भी अच्छा हुआ ना, वी विल सी क्रेजी नंबर्स। ओके, पटना की बात करूं, 14 शोज 45%, इट्स अ नेशन वाइड क्रेज फॉर दिस फिल्म। ऐसी फिल्मों को कोई रोक नहीं सकता, सीरियसली बोल रहा हूँ। माय प्रेडिक्शन स्टिल इज 26-27 करोज। सब डिपेंड करता है 2D शोज पे, 2D शोज किस तरह से ओपनिंग लेती है, किस तरह से वॉक इन ऑडियंस आती है। एंड पहले दिन आपको बताया मैंने गणेश विसर्जन भी है, तो अगर ये फिल्म सारे पॉइंट्स पे टिक होती है देन 30 करोज आएगा। लेकिन स्टिल आई एम कीपिंग माय प्रेडिक्शन वेरी रीजनेबल, विल गो विद 27। सैटरडे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फिल्म एटलीस्ट 30-33 करोड़ का बिजनेस करे, उसके बाद संडे शुड गो एटलीस्ट 38, यानी कि 3 दिन में अगर 95 करोड़ भी गई ना, दैट विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मंडे से फ्री रहने पिक्चर को, एंड आई सी दिस फिल्म ऑनेस्टली स्पीकिंग गोइंग एटलीस्ट 150 करोड़ इन द फर्स्ट वीक। बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि गाइस एज एन इंडस्ट्री इट हर्ट्स सीइंग द इंडस्ट्री नॉट डू वेल। ओके, तो जिसका मन है जाके टिकट जो है बुक कीजिए। भैया हमने अपनी टिकट बुक कर लिया, हम जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र, चश्मा पहन कर देखेंगे। स्मैमरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। अब मिलेंगे रात को ब्रह्मास्त्र के एडवांस बुकिंग एपिसोड में। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए।